नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम प्रचंड गर्मी में निकली है, आपको क्या दिखाने के। यहाँ पर वोटिंग चल रही है, इतनी गर्मी के बीच बूथ लगे हुए हैं और मैं कहाँ हूँ, ज्ञान ज्योति के बूथ पर हूँ जो चुंगी पर स्थित है। पुराना ये बूथ है, वार्ड 4 का ये बूथ रहता है। और जानकारी दूं कि इस बार वार्ड नंबर 4-1 में मिक्स करके डीएवी स्कूल में भी बूथ बनाया गया, लेकिन स्थिति में दिखा दूं। और सबसे पहले निवेदन करूंगा कि मेरी तरह आप भी अपना वोट का मत का प्रयोग कीजिएगा, वोट जरूर डालिएगा। भले ही गर्मी हो, भले ही आपको कितने काम हो, काम बाद में कीजिए, पहले वोट कीजिएगा। बूथों पर कैसा हाल है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का बूथ लगा है और अमूमन अगर आप सफेदों में निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी बूथों पर 2 ही टेंट लगे हैं, यानी एक भाजपा का और कांग्रेस का। और हाल कैसा है वो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि सुबह से अभी तक तकरीबन 12 बज चुके हैं और कितनी वोटों बिता चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल है? माहौल ठीक चल रहा है जी। ठीक चल रहा है। हाँ जी। कितनी वोटें पड़ चुकी है अभी तक? लगभग 300 वोट पड़ चुके हैं। 300 वोट पड़ चुकी है। हाँ जी। क्या लगता है, सतपाल ब्रह्मचारी बढ़त बनाएंगे या कहीं पिछड़ने वाले हैं? नहीं, बढ़त बना के भेजेंगे, पिछड़ने वाला तो कोई काम ही नहीं है। बढ़त बना के भेजने वाले हैं? हाँ जी, पक्की बात है। पक्की बात है जी। कमर कसी हुई है? कसी हुई है जी। चलिए, ये बच्चा भी है भाई, वोट है आपकी या नाबालिग है अभी आप? नाबालिग है। नाबालिग है। ये देखो जी भाई साहब, नाबालिग को बिठा दिया आपने। नहीं बढ़िया जी, नाबालिग हो गए हैं। हाँ जी। वोट नहीं है? वोट नहीं है। सपोर्ट के लिए? यस सर। भाई साहब की वोट नहीं है तो सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर पसीना बारे। संदीप को कहूंगा इस तरफ आ जाए, भाई से बात करें। हाँ भाई, क्या माहौल है? एक तरफा माहौल है सतपाल ब्रह्मचारी का। एक तरफा बूथ तो भाजपा का भी लगा हुआ है, एक तरफा कैसे हुआ? पार्टियों दोनों है जी, कांग्रेस या बीजेपी, बूथ तो लगाना पड़ेगा उनको भी। तो लगाना पड़ेगा, वोट डले ना डले। हाँ जी, वोट तो डल नहीं रही। वोट पता नहीं हो तो उनसे बात करियो आप। एक तरफा माहौल का था आपने तो, आपसे तो पूछ ले भाई साहब, एक तरफा कैसे हुआ? क्या वोट ही नहीं पड़ रही क्या भाजपा को? वोट नहीं पड़ रही जी। भाई ने तो क्लियर कर दिया, बोला एक तरफा माहौल है। चलो भाई, पढ़ने वाले भाई आ जा, पक्की बात है, देख लो बोलना हो बोल देने। हाँ भाई आ जा, तू आ। क्या नाम है तेरा? ओके तो आ, वोट गिरना है भाई, इधर आ तू, मेरे तो इधर आ, वोट गिरना है तू। किसकी? सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी की? हाँ। वो किसकी वोट पावा? तेरी तो वोट नहीं है। सपोर्ट है जी करके। ए, सपोर्ट कर कर क्या की है? किसकी वोट पाऊंगे? सतपाल ब्रह्मचारी की। कितनी वोट अगर की? मन्ने की मेरा। ये देखो भाई, छोरा जवा पक्का सिखा रहे, चांद रखे है। चलो जी, ये बीजेपी का बूथ है, पर्चा भले ही छोटा लगा रखा हो लेकिन काम बड़े कर रहे होंगे। पर्चा छोटा क्यों लाया? पर्चे तो कुछ नहीं होता, दिल बटा होना चाहिए। दिल बटा होना चाहिए। दिल तो नूंगा, देख तरफा मोल हो गया सतपाल ब्रह्मचारी का। नू कहते थोड़ी ना होगा। पक्की बात है? पक्की बात। कितनी वोट भुगता दी? मैं तो अभी आया हूँ, बड़ा भाई थे बैठे थे। भाई ने पूछा था आप बैठे थे? कितनी वोट भुगताई है? करीब करीब 700। 700? कांग्रेस वाले का 300 जा ली था, उनकी 300 गई होगी। उनकी 300 है नहीं मुझे। यार कड़े कड़े राजा भोज, कड़े गंगूली के भाई साहब, वो कब है? एक तरफा बोल रहे भाई साहब ने तोड़ फाड़ दिया, दोबारा बोलिए डायलॉग एक बार। कड़े राजा भोज, कड़े गंगूली। क्लियर है जवाब? चलो जी भाई साहब, तो आपकी वोट है? ना जी, आपकी सपोर्ट है, आपने तो सपोर्ट है। नहीं, इतनी गर्मी में तले की जरूरत पड़ गई भाई सपोर्ट करने की। ये आप बैठे रहो। नहीं, 13 थे। अच्छा, मोदी मोदी कहेगा? नहीं, 13 कौन सा? ब्याकरण की गारंटी तो दीन है। हाँ बिल्कुल। चलो चलिए, देखिए ताई भी आ गई है। ताई वोट गिरन आई? हाँ वोट गिरन आई। शहर में था? शहर में था। हाँ। किसने पाओगी वोट? जिससे मर्जी उससे पा देंगे। काम बंद करके तुम दे दी? जुनसा बन जाएगा उसके दे देंगे। ताई बड़ी समझदार है, बोली जुनसा बन जाएगा वोट उसकी है। अच्छा आ जा भाई, कौन बोलेगा? कौन बोले? ताऊ बोलेगा तेरा? ताऊ? हाँ ताऊ आ जा। अच्छा क्या बोल रहे हैं? बोल लो महाराज। के मोल है? किसका मोल है? मैं बराबर है भाई, दोनों का टक्कर। वे नुगे हमारी 700 गिर ली, ये नुगे हमारी 300 गिर ली। ना ना, बराबर है, दोनों का टक्कर है। वोटे पोल 300 ही है जी। 700 बताएगी? बताओ 700 कहाँ था? पोल
सारे 300 वोट पोल हुई है जी, बिल्कुल 300 वोट पोल हुई है जी, 800 वोट टोटल है जी, 800 वोट टोटल 800 वोट है जी, 600 पोल हो गया। बड़ा झूठ बोल रहे हो। हाँ जी झूठ तो है, झूठ तो है, चलो झूठ की सरकार है। चलो भाई यहाँ देख ले लोगों ने, है पानी पत रोड की समस्या है या फिर वोटा फर्क पड़ेगा, कोई विकास नहीं हुआ स्पीदो में। अच्छा पानीपत रोड कति टूटा पड़ा है, कोई सफाई नहीं होती, कति तंग है लोग यहाँ से बीजेपी से। कांग्रेस सरकार आवेगी बढ़िया काम होवेंगे। हेलो जी जी भाई, डॉक्टर साहब है हमारे इन तबूल है, डॉक्टर साहब है क्या हाल चाल है, हाल चाल बताओ, लाइव चल रहा है, नु बता दे डॉक्टर साहब क्या माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी यहाँ कमजोर पड़ रही है। हमारे बूथ पे तभी पंजा मजबूत है, पंजा मजबूत है। हाँ जी वजह की है पता नहीं, वजह तो लेकिन पंजा मजबूत है, क्यों कह रहा हूँ, पंजे का एक तरफा माहौल हो गया। हमारे बूथ पे पक्की बात है, पक्की बात है, हमारे बूथ पे। और शहर में कौन सा, शहर में मैं भी घूमे नहीं भाई, नहीं रिपोर्ट तो आई होगी सब, जाँच पड़ताल तो सारी करो शहर की, ना ना नू तो बता दो यार, बताओगे हम आपको 3 बजे, 3 बजे बता दोगे रिपोर्ट। हाँ फिर आऊंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई डॉक्टर साहब किसी ने दवाई बट्टी एक बार कर दे भाई इसकी बता दे, मानव धर्म मेडी कोच पुरानी चुंगी पे हमारे डॉक्टर साहब हो आ गए थे, धर्मपाल सब बरवाल बड़ा फेमस नाम है, दिखा दे भाई दुकान, और उन्हीं के छोटे बेटे की दुकान भाई, दवाइयाँ सारी होंगी असली 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 दवाई लेने चुंगी पे सस्ते भाव में भी ना, सस्ते भाव की है। और बूथ दिखा देते हैं आपने ज्ञान ज्योति वाला, और एक बार संदीप तक वो भी देख के लिख दीजिए कदे ट्रैफिक है यहाँ पर, लगातार गर्मी में लोग पहुंचे ज्योति में, तो अब तकरीबन यहाँ लंबी लाइन हो रही थी, इस बार कोई लाइन नहीं है, बड़ा शांतिपूर्ण सारा माहौल चल रहा है। चलो एक बार दिखाई बता दे बस, तू वोट तो ना बताइए किसने दी, दो उत्खनन करके भीड़ कम होगी, फायदा होगा इसका तो, फायदा तो है जी, पहले लाइन लग जा रहे थे। हाँ बिल्कुल लगा कर, सवेरे तो लाइन नहीं लगी इस बार, नहीं अब छेड़ है जी, आराम से घेर सकते हैं, आराम से आओ जाओ वोट घेर, मतलब भाई इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया। और ये दो बूथ का फायदा मिला है, लगातार भुगताई जा रही है वोटें, और बूथों का कैसा हाल है, जो पुराने बस अड्डे पर है बॉय स्कूल में, उसका भी मैं हाल दिखाऊंगा एक बार फिर से आपको दिखा दूं। और दोस्तों निवेदन यही आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और अगर फिर से वही अपील, अगर मतदान आपने नहीं किया तो सबसे पहले मतदान करें, सारे काम छोड़ दें, काम धंधे दुकान सब छोड़ दें, अंदर बाहर जाना है आना है उसके बाद करें, पहले मतदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।